On the behalf of CMPDI, I would like to give a small presentation. Next, please. This is a formation of CMPDI. As you can very well know, the CMPDI ka naam bahut purana hai yahan par. It's a fully owned subsidiary of Coal India Limited, a Schedule B company. It's a Mini Ratna Category 1 company since 2019 and ISO 9001 certified since March 1998. And it's also waived for ISO 27001 certification for information security management. Next, please. For the brief functions of the CMPDI, CMPDI ka basically two main services mein rehta hai, business functions mein aur corporate responsibilities mein. Business functions mein hum log mines explorations mein, mining infrastructure, engineering, environmental management or management system, especially to the minerals, mining and allied sectors, both within and outside the coal industries or countries के लिए हम करते हैं. Corporate responsibilities में हम लोग assist करते हैं Ministry of Coal को, Planning Commission को, उनके strategic decisions relating to coal sector at the national level, maintaining inventories for the coal deposits, coal mining potential and operations. बेसिकली इट्स अ ब्रेन ऑफ कोल इंडिया. इसको कोल इंडिया का ब्रेन कहा जाता है. सारी जो माइंस प्लानिंग वगैरह होती है कोल इंडिया की, वो सीएमपीडीए के थ्रू होती है. ये लाइसेंस भी करता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल को के साथ सीआईएल और सिस्टर कोल प्रोड्यूसिंग कंपनीज ऑन टेक्निकल एंड ऑपरेशनल मैटर्स के ऊपर में. नेक्स्ट प्लीज. ये ब्रीफ प्रोफाइल है हम लोगों का कि हम लोग का इन इन सेक्टर्स में हम लोग रहते हैं. कंसल्टेंसीज में, टेस्ट एनालिसिस में, ऑपरेशंस प्रोसेसिंग में, इंस्टॉलेशन कंस्ट्रक्शंस में. और ये हमारे मेजरली छह फील्ड्स हैं: मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, अलाइड इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सिस्टम एंड द ट्रेनिंग सर्विसेज. नेक्स्ट प्लीज. CMPDI बेसिकली ऑपरेट्स करता है, इसका हेडक्वार्टर रांची में है और इसके जो रीजनल इंस्टीट्यूट है 127 आसनसोल, धनबाद, रांची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली और भुवनेश्वर है रेस्पेक्टिवली, विद वेरियस फील्ड्स और एक्सप्लोरेशन कैंप्स है हमारे वहां पर. नेक्स्ट प्लीज. ये एक हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट है. जब कोल इंडिया टेंडर पोर्टल के ऊपर हम लोग टेंडर्स जब हम फ्लो करते थे, ये उसका एक स्पेसिमेन है. नेक्स्ट करिए. नेक्स्ट प्लीज. अब जब हम जैम के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं. हम लोग जो 100% जैमेबल आइटम, हम लोग चाहते हैं कि जैम से ही प्रोक्योरमेंट हो. अगर कुछ डिलीवरी का कुछ इशू रहता है या फिर इश्यूज रहता है रिलेटेड टू द क्वालिटी, देन अदरवाइज ही हम लोग दूसरे टर्म्स में जाते हैं, लोकल परचेज में और इस तरीके से. बाकी हम लोग का 100% हम लोग का कोशिश यही रहती है कि जो जैमेबल आइटम है वह हम लोग 100% जैम से ही प्रोक्योरमेंट करें. ये एक सैम्पल एक जैम डॉक्यूमेंट है. अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको इसका बाद में विस्तारपूर्व से बताऊंगा. नेक्स्ट बताइए. जो जैम डॉक्यूमेंट होता है हम लोगों का, उसके अंदर हम लोग का एक स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है जैम रिलेटेड, लाइक ईएमडी एग्जेम्पशंस हम लोग देते हैं. उसके लिए आपको सबमिट करना पड़ता है वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द रिलेवेंट कैटेगरी, अगर आप जिसके लिए आप वो ईएमडी एग्जेम्पशंस आप लेना चाह रहे हैं. अंडर एमएससी कैटेगरीज ओनली मैन्युफैक्चरर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर एलिजिबल फॉर ईएमडी एग्जेम्पशंस. ट्रेडर्स आर एक्सक्लूडेड फॉर द परव्यू ऑफ दिस पॉलिसीज. इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए. बहुत सारे टेंडर्स के अंदर में हम लोगों का ट्रेडर्स, ऐसे ट्रेडर्स आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं. तो उसका मेन कारण ये रहता है कि एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन ओनली द मैन्युफैक्चरर्स ओईएम्स जो रहते हैं उनको ही ईएमडी एग्जेम्पशंस का प्रोविजन रहता है. ईएमडी अमाउंट एप्लीकेबल होता है हर शेड्यूल ग्रुप सेलेक्टेड ड्यूरिंग द बिड. एक्चुअली इस वाले जो बिड डॉक्यूमेंट के अंदर में पांच शेड्यूल हैं, पांच हमको अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के मल्टी फंक्शंस मशीन खरीदनी थी, तो उसके लिए ईएमडी अमाउंट हर एक का अलग अलग था. अगर बीडर, इफ अ बीडर इज अ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस एज पर द लेटेस्ट डेफिनेशन अंडर एमएससी रूल, द बीडर शाल बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ बीडर टर्नओवर क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया.
सब्जेक्ट टू द मीटिंग ऑफ द क्वालिटी एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इफ द बीडर इज ओएम ऑफ द ऑफर्ड प्रोडक्ट इट वुड बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द बीडर सीकिंग एक्सेम्प्शंस फ्रॉम द टर्नओवर एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने का जरूरत रहता है. अगर बीडर एक स्टार्टअप है MSME की जगह पर अगर वो स्टार्टअप है तो उनको भी हम लोग एक्सेम्प्शंस देते हैं. द बीडर शैल बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ बीडर टर्नओवर क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू देयर